नगर पालिका द्वारा नागपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की चल रही कार्रवाई से कई लोग बेघर हो रहे हैं। शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज यशोदा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत NMC द्वारा संभाजी नगर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिससे नागरिकों में असंतोष देखा गया। नगर पालिका द्वारा की गई इस कार्रवाई पर संभाजी नगर के नागरिकों ने रोष व्यक्त किया है। नागरिकों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा नागपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की चल रही कार्रवाई से कई लोग बेघर हो रहे हैं। शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज ताकत के जोर पर मनपा के 25 से 30 लोगों को लाकर जबरन गाली गलौज एवं धमका कर उनके घर तोड़ दिए गए। यहाँ की स्थानीय रहवासी सुलोचना पाटिल का कहना है कि पिछले 22 साल से वो यहाँ पर रह रही है, जिनकी झोपड़ पट्टियों को मनपा द्वारा तोड़ दिया गया है। वो सवाल कर रही है कि अगर इतने ही पैसे हमारे पास होते तो हम यहाँ अतिक्रमण क्यों करते, अब हम कहाँ जाए, इसका जवाब प्रशासन दे। सर, मैं यहाँ पे 22 साल से रह रही हूँ, मेरा नाम सुलोचना पाटिल है, और यहाँ पे बदमाशी के जोर पर 25 से 30 लोग ला के उनको खिला पिला के हमको गाली गलौज करते हैं, हमको धमकाते हैं, यहाँ तक के बोलते हैं कि तुम पुलिस स्टेशन जाओगे तो तुम्हारा झोपड़ा उठा के फेंक देंगे और तुम्हारे जान माल का नुकसान हो जाएगा, इसके जवाबदार हम नहीं है। और इसके आगे भी रातों को पुलिस गश्त नहीं देती है, और वहाँ पे रात को 10-12 लोग आके बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम लोग वहीं पे रह रहे हैं, हम लोग वहीं पे खा रहे, वहीं पे सो रहे हैं, हमारे जान जवान बच्चे हम लेके कहाँ जाए। हमारे पास इतनी ये होती है तो हम अतिक्रमण क्यों करते, हमारे पास इतने नोट होते तो हम अतिक्रमण क्यों करते, भूमाफिया जैसे हम भी ये जगह हथियार लेते। हमारी मांग इतनी है कि हमको ये जगह गिन के दे, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और मैं ये 22 सालों से कर रही हूँ, इसके लिए सरकार हमारी तरफ तवज्जो दे, यही मैं चाहती हूँ, बस इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। कि अगर प्रशासन हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती है तो हम धरने पे बैठेंगे संविधान चौक में। अगर प्रशासन वो करने के पहले हमारी तरफ तवज्जो दे तो बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो हम धरने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे भी यहाँ हम धूप ताप में, बारिश में बच्चों को लेके भूखे प्यासे रह रहे हैं, वहाँ पे भी वैसे ही रहेंगे। निहाल पांडे के नेतृत्व में हम मोर्चा लेकर धरने पर बैठने की कोशिश बैठने वाले है, उनके नेतृत्व में ये सब हमारा मोर्चा आगे बढ़ेगा और अतिक्रमण। यहाँ के स्थानीय रहवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय रहवासी शेख इकबाल का कहना है कि प्रशासन द्वारा बगैर नोटिस दिए वहाँ के झोपड़े को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, झोपड़े तोड़ने के बाद यहाँ भूमाफिया के लोग आकर इन रहवासियों को धमकाते हैं और यहाँ से जगह खाली करने के लिए कहते हैं। मेरा नाम शेख जी है, शेख इकबाल है, मैं यहाँ पे संभाजी नगर का रहवासी हूँ, यहाँ 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने बगैर नोटिस दिए हमारे पूरे झोपड़े को तोड़ डाले हैं। अब झोपड़े तोड़ने के बाद में उसके अंदर भू माफिया के लोग आ रहे हैं, हमको धमका रहे हैं, हमको धमकाने के लिए कि भैया यहाँ से जगह खाली करो और कहीं जाओ। तो अभी हम लोग कहाँ जाए ये बताइए, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि हम कहाँ जाएंगे। और सूरत में लोगों को मकान किराए से मिल नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, ये करके यहाँ पे झोपड़े तान के यहाँ पे अभी रह रहे हैं, तो वो भी रहने नहीं देते। अब क्या करें बताइए आप लोग, 500-600 घर है यहाँ पे, अब 600 घर का हिसाब लगा लो आप, कितने पब्लिक होगी यहाँ पे 600 घरों के अंदर में। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से लोग नाराज हैं और इन सभी का यही सवाल है कि झोपड़ पट्टी में रहने वाले हम लोग आखिर जाए तो कहाँ जाए, अगर हमारे पास इतने ही पैसे होते तो हम महलों में रहते, ना कि झोपड़ पट्टी में। यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा फिर एक बार चेतावनी दी गई है कि अगर इनके रहने का बंदोबस्त नहीं किया जाता है तो ये लोग सात गाँव के लोगों की तरह संविधान चौक पर रहकर धरना देंगे। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।